लुधियाना से 20 किलोमीटर दूर स्थित जोधा मंसूरा गांव में आज सिख संतों की ओर से 550वें गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें 550वें प्रकाश दिहाड़े की तैयारियों को लेकर विचार प्रकट किए जा रहे हैं। वहीं पर बरगाड़ी और बेअदबी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। आज दी जो कतरता है, 550 साल जो सतगुरु पातशाह दी अर्ध शताब्दी अज साड़ी कौम की झोली च पई है, उसनों एक सार्थक रूप देने दे लई समस्त सिख संप्रदावां दे महापुरशां दी एकत्रता बुलाई गई है, जिस विच उन्हां दे वडमुल्ले विचारां नूं रिकॉर्ड करके ते इसे शताब्दी नूं मनाउण वास्ते एक छोटी कमेटी बनाई जाएगी, जो उन्हां ते विचार करके तो जिड़ा वड्डा बाबा नानक है, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, उस महान सतगुरु के महान सिद्धांत में जो अरशा विच है उसनू फरशा विच लियाण दा प्रयास करन दा अज दा ए उपराला है। जिथे अज खुशी दा समा है उत्थे साडे लई एक दुखांत भी साडे सामने खड़ा है। जिथे सिख अज धन धन श्री ग्रंथ साहिब महाराज नू गुरु नानक दा ही रूप जाण के पूजदा है, ते पिछले समयां विच जो एक दुखांत कौम ते वरत्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से जो हमले होए हैं, बरगाड़ी में साडे सिख नौजवान सरकार अपनी ही सरकार जो कभी अपने आप नूं पंथक आखदियां सी उन्हां दे राज विच शहीद किए गए गुरसिख, उस दुखांत नूं समुची कौम ने अपने सीने ते हंडाया, उस दुखांत का जो खुमैजा पंथक कोहण वाला अकाली दल जो कभी पंजाब ते राज करदा सी, वो 10-15-12 सीटां ते रह के अज राज तो बाहर है। इत्थे तक है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दी पदवी तक भी उन्हां नूं हासिल नहीं हो सकी, और साडे सिख परंपरावां नाल जुड़े हुए सिंह साहिबानां ने बरगाड़ी नगर विच जिस व्यक्ति नूं असी एक चंगा सिख जाण के महाराजा अमरिंदर सिंह नूं असी बेनतियां पहलां कीतियां कि जो दुखांत कौम ते वरत्या है इसका जे तुसी कोई समाधान करो ते कौम आप दे पिछे एकत्रित होकर आप दे राज दा एक लियाण वास्ते एक उपराला कीता जा सकता है। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।